पेज नंबर 5 नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स जानदार चीजों के नाम एनिमल्स एंड बर्ड्स जानवर और परिंदे लुक एट द पिक्चर्स ऑफ सम एनिमल्स एंड बर्ड्स जो एनिमल्स की और बर्ड्स की हमारे पास पिक्चर्स हैं हमें उनकी तरफ देखना है दे आर लिविंग थिंग्स ये सब जानदार चीजें हैं दे ऑल्सो हैव नेम्स और इनके नाम भी हैं देयर नेम्स आर गिवन बिलो इनके नाम नीचे दिए गए हैं कैन यू मैच द पिक्चर्स विद द नेम्स क्या आप पिक्चर्स और नेम्स को आपस में मैच कर सकते हैं आइए देखते हैं सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे ये ट्री में क्या मौजूद है ये एक आउल है ये देखिए ये रहा ओ डब्ल्यू एल आउल ओ डब्ल्यू एल आउल माने उल्लू नेक्स्ट देखिए ये क्या है ये हमारे पास काउ है सी ओ डब्ल्यू काउ काउ माने गाय ये रही नेक्स्ट देखिए ये क्या है ये एक कैट है सी ए टी कैट कैट माने बिल्ली ये देखिए ये रही नेक्स्ट देखिए ये क्या है ये है हैन हैन माने मुर्गी एच ई एन हैन देखिए ये रही है नेक्स्ट देखिए व्हाट इज दिस ये एक जेब्रा है जेड ई बी आर ए जेब्रा ये देखिए ये रहा नेक्स्ट देखिए ये क्या है ये है रैबिट आर ए डबल बी आई टी रैबिट रैबिट मीन्स खरगोश ये देखिए ये रहा रैबिट नेक्स्ट देखिए ये क्या है ये हमारे पास गोट है जी ओ ए टी गोट गोट माने बकरी ये रही गोट जी ओ ए टी गोट नेक्स्ट देखिए ये क्या है ये एक टाइगर है टी आई जी ई आर टाइगर टाइगर मीन्स चीता ये देखिए ये रहा टाइगर और ये लास्ट है हमारे पास डॉग डी ओ जी डॉग डॉग मीन्स कुत्ता ये हमारे पास है आउल ओ डब्ल्यू एल आउल नेक्स्ट ये हमारे पास है कैट सी ए टी कैट ये हमारे पास है हैन एच ई एन हैन फिर ये हमारे पास है काओ सी ओ डब्ल्यू काओ ये हमारे पास है रैबिट आर ए डबल बी आई टी रैबिट ये हमारे पास है जेब्रा जेड ई बी आर ए जेब्रा ये हमारे पास है गोट जी ओ ए टी गोट फिर ये है टाइगर टी आई जी ई आर टाइगर ये है डॉग डी ओ जी डॉग पेज नंबर 6 सम मोर नेम्स एनिमल्स एंड बर्ड्स अब यहाँ पे एनिमल्स और बर्ड्स के कुछ मजीद नाम देखने हैं हमें क्वेश्चन देखिए यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ अ फ्यू एनिमल्स एंड बर्ड्स बिलो नीचे आपको कुछ एनिमल्स की और परिंदों की पिक्चर्स नजर आ रही हैं द नेम्स ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड्स आर ऑन द टमी ऑफ द पांडा और जो इनके नाम हैं वो इस पांडा की टमी में लिखे हुए नजर आ रहे हैं ठीक है मैच द पिक्चर्स विद द नेम्स हमें इन पिक्चर्स और इन नामों को मैच करना है देखिए ये क्या है दिस इज अ हॉर्स ये एक हॉर्स है यहाँ पे हॉर्स है ये रहा तो यहाँ पे हम लिखेंगे एच ओ आर एस ई हॉर्स दिस इज अ हॉर्स ये एक घोड़ा है नंबर 2 दिस इज अ ये क्या है ये एक लायन है ये देखिए एल आई ओ एन लायन ये हम लिखेंगे दिस इज अ लायन ये एक शेर है ये देखिए दिस इज अ डैश ये क्या है ये कैमल है ये रहा सी ए एम ई एल कैमल
कैमल माने ऊंट, सी ए एम ई एल कैमल, दिस इज अ कैमल, ये एक ऊंट है। ये देखिए, दिस इज अ पैरट, ये रहा पी ए डबल आर ओ टी पैरट, पैरट मीन्स तोता, पी ए डबल आर ओ टी पैरट, दिस इज अ पैरट, ये एक तोता है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज अ डैश, ये क्या है, ये है हमारे पास मंकी, एम ओ एन के ई वाई मंकी, दिस इज अ मंकी, ये एक बंदर है। अब ये क्या है हमारे पास, दिस इज अ डैश, ये क्या है, ये हमारे पास माउस है। ये देखिए, एम ओ यू एस ई माउस, सो दिस इज अ माउस, ये एक चूहा है। अब ये देखिए, दिस इज अ डैश, ये क्या है, ये फॉक्स है। ये देखिए, दिस इज अ फॉक्स, एफ ओ एक्स फॉक्स, दिस इज अ फॉक्स, ये एक लोमड़ी है। दिस इज अ डैश, ये क्या है, ये है हमारे पास जिराफ। ये देखिए, जी आई आर ए डबल एफ ई जिराफ, जिराफ मीन्स जराफा, जी आई डबल जी आई आर ए डबल एफ ई जिराफ, जिराफ मीन्स जराफा, दिस इज अ जिराफ, ये एक जराफा है। दिस इज अ हॉर्स, ये एक घोड़ा है। दिस इज अ लायन, ये एक शेर है। दिस इज अ कैमल, ये एक ऊंट है। दिस इज अ पैरट, ये एक तोता है। दिस इज अ मंकी, ये एक बंदर है। दिस इज अ माउस, ये एक चूहा है। दिस इज अ फॉक्स, ये एक लोमड़ी है। दिस इज अ जिराफ, ये एक जराफा है। पेज नंबर 7, नेम्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जानदार और बेजान चीजों के नाम। पिक आउट द नेम्स ऑफ पीपल एनिमल एंड थिंग्स फ्रॉम द सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में से हमें लोगों के, जानवरों के और चीजों के नाम निकालने हैं, एंड राइट देम ऑन द करेक्ट टॉर्टोइज, और उसे करेक्ट टॉर्टोइज में हमें लिखना है, ठीक है। अब तीन टॉर्टोइज हमारे पास है, ये देखिए, ये रेड वाला हमारे पास पीपल के लिए है, येलो वाला हमारे पास थिंग्स के लिए है, और ग्रीन टॉर्टोइज हमारे पास एनिमल्स के लिए है। वन सेंटेंस, द बेबी इज प्लेइंग विद अ टॉय, जो बच्चा है वो खिलौने से खेल रहा है। अब बेबी हमारे पास क्या है, पीपल, तो यहाँ पे लिखेंगे बी ए बी वाई, बेबी, ठीक है। और टॉय हमारे पास है थिंग, तो येलो टॉर्टोइज में आएगा टी ओ वाई टॉय, ठीक है। नंबर टू, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द रग, बिल्ली कारपेट पे सो रही है। कैट क्या है, कैट एनिमल है, तो ग्रीन टॉर्टोइज में लिखेंगे सी ए टी कैट, ठीक है। और रग क्या है हमारे पास, थिंग है, तो इसे हम लिखेंगे येलो टॉर्टोइज में आर यू जी रग, ठीक है। द बॉय इज पेटिंग हिज डॉग, यहाँ पे बॉय हमारे पास क्या है, पीपल है, रेड टॉर्टोइज में लिखेंगे बी ओ वाई बॉय। और डॉग क्या है, डॉग है एनिमल, ग्रीन टॉर्टोइज में लिखेंगे डी ओ जी डॉग, ठीक है। द मैन इज वेटिंग फॉर अ बस, आदमी जो है वो बस का इंतजार कर रहा है, तो मैन क्या है, पीपल, इंसान है, एम ए एन मैन, वेटिंग फॉर अ बस, बस हमारे पास थिंग है, तो येलो में लिखेंगे बी यू एस बस। द फ्रॉग इज सिटिंग बाय द पॉन्ड, फ्रॉग क्या है हमारे पास, एनिमल है, तो ग्रीन एफ आर ओ जी फ्रॉग, ठीक है।
और पॉन्ड, पॉन्ड हमारे पास क्या है, थिंग है, पी ओ एन डी पॉन्ड। द गर्ल इज मिल्किंग अ काउ, यहाँ पे गर्ल हमारे पास पीपल है, जी आई आर एल गर्ल, और काउ क्या है, काउ एनिमल है, ग्रीन वाले में लिखेंगे सी ओ डब्ल्यू काउ। रिपीट करते हैं, द बेबी इज प्लेइंग विद अ टॉय, इस सेंटेंस में बेबी जो है वो पीपल है, तो बेबी को हमने रेड टॉर्टॉइस में लिखा है, बी ए बी वाई बेबी, और टॉय हमारे पास थिंग है, तो टॉय को येलो टॉर्टॉइस में लिखा है, टी ओ वाई टॉय, यानी खिलौना। नंबर टू, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द रग, कैट क्या है, एनिमल है, तो इसे हमें ग्रीन टॉर्टॉइस में लिखा है, सी ए टी कैट, कैट माने बिल्ली, और क्या है, रग, रग थिंग है, तो आर यू जी रग, रग माने कारपेट, तो ये हमें थिंग में लिखना है। नंबर थ्री, द बॉय इज पेटिंग हिज डॉग, यहाँ पे बॉय पीपल में आएगा, तो यहाँ पे ये देखिए बी ओ वाई बॉय, बॉय माने लड़का, और डॉग, डॉग क्या है, एनिमल है, तो इसे ग्रीन टॉर्टॉइस में लिखेंगे, डी ओ जी डॉग, डॉग माने कुत्ता। ये देखिए द मैन इज वेटिंग फॉर अ बस, तो मैन क्या है, पीपल में जाएगा, एम ए एन मैन, मैन यानी आदमी, बस, बस क्या है, थिंग है, तो येलो टॉर्टॉइस में लिखेंगे, बी यू एस बस। नेक्स्ट देखिए, द फ्रॉग इज सिटिंग बाय द पॉन्ड, फ्रॉग क्या है, इसमें एनिमल है, तो एफ आर ओ जी फ्रॉग, और पॉन्ड क्या है, थिंग है, तो पी ओ एन डी पॉन्ड। लास्ट देखिए, द गर्ल इज मिल्किंग अ काउ, गर्ल क्या है, पीपल है, जी आई आर एल गर्ल यानी लड़की, और काउ क्या है, एनिमल है, सी ओ डब्ल्यू काउ, काउ मीन्स गाय। ये काम आप लोग इसी तरह से करेंगे। नाउ पेज नंबर 8, नेमिंग वर्ड्स, अब देखते हैं नेमिंग वर्ड्स, मैं आपको नाउन में समझा चुकी हूँ क्या होते हैं। यू हैव नाउ लर्न दैट ऑल काइंड ऑफ थिंग एनिमल बर्ड एंड पीपल हैव नेम, आप ये बात जानते हैं, आप ये बात सीख चुके हैं कि तमाम तरह की चीजों के, जानवरों के, परिंदों के और इंसानों के नाम होते हैं। लेट अस कॉल द वर्ड्स विच वी यूज एज देयर नेम, नेमिंग वर्ड्स, अब जो अल्फाज हम उनके नामों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम नेमिंग वर्ड्स कह लेते हैं। एक्सरसाइज ए देखिए, पिक आउट द नेमिंग वर्ड फ्रॉम द सेंटेंसेस, हमें इन सेंटेंसेस में से नेमिंग वर्ड्स निकालने हैं, एंड राइट देम इन योर एक्सरसाइज बुक, और ये जो नेमिंग वर्ड्स हम यहाँ से निकालेंगे ये आप लोग फुल स्केप पेजेस पे लिखेंगे। पहले आप ये क्वेश्चन लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, इसके नीचे इसका नेमिंग वर्ड आएगा फुल स्केप पेज पे, यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन करके बताऊंगी। ये देखिए, दिस इज अ पॉन्ड, ये एक तालाब है, तो पॉन्ड यहाँ पे नेमिंग वर्ड है, ये थिंग है हमारे पास, ये आप फुल स्केप पेज में इसी सेंटेंस के नीचे लिखेंगे, पी ओ एन डी पॉन्ड, ठीक है। नंबर टू देखिए, लुक एट द फिश इन ए, इसमें जो मछली है उसे देखो, तो यहाँ पे फिश क्या है, नेमिंग वर्ड है हमारे पास, ठीक है। देखिए, अ फ्रॉग इज सिटिंग ऑन अ लीफ, यहाँ पे फ्रॉग नेमिंग वर्ड है, एक एनिमल है और लीफ एक थिंग है, ठीक है, ये भी नेमिंग वर्ड है। ये दोनों भी आप लोग जिस तरह मैंने नंबर वन में बताया कि हर तमाम नेमिंग वर्ड्स नीचे आएंगे, तो दिस इज अ पॉन्ड, यहाँ भी नीचे आप लिखेंगे पॉन्ड, लुक एट द फिश इन इट, फिश आप यहाँ नीचे लिखेंगे, अ फ्रॉग इज सिटिंग ऑन अ लीफ, यहाँ पे आप इस सेंटेंस के नीचे पहले फ्रॉग लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में लीफ लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, द बॉय हैज अ फिशिंग रॉड, लड़के के पास एक मछली की तार है, ठीक है, तो यहाँ पे बॉय ह्यूमन बीइंग है, तो ये हमारे पास नेमिंग वर्ड है, और फिशिंग रॉड ये एक थिंग है, तो ये भी नेमिंग वर्ड है, ये भी इसी तरह से आप लोग दोनों नीचे लिखेंगे फुल स्केप पेज में। और द गर्ल हैज अ बास्केट,
गर्ल हमारे पास ह्यूमन है तो ये एक नेमिंग वर्ड है, और बास्केट हमारे पास थिंग है तो ये भी एक नेमिंग वर्ड है, ये भी आप लोग इसी तरह से नीचे लिखेंगे। अब हम एक्सरसाइज बी देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक द बॉय एंड गर्ल विल डू, आपको क्या लगता है कि ये जो बॉय और ये गर्ल है ये क्या कर रहे हैं। देखिए हम सेंटेंसेस अपने स्टार्ट करते हैं, फिर हम पिक्चर्स के हिसाब से ब्लैंक्स फिल करेंगे। दे विल सिट बाय द, वो कहाँ पे बैठे हुए हैं ये देखिए, ये पॉन्ड है, ये एक तालाब है और ये दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये दे विल सिट बाय द पॉन्ड, पी ओ एन डी पॉन्ड, वो तालाब के किनारे बैठे हैं। एंड द बॉय विल कैच डैश, और वो लड़का क्या कर रहा है ये देखिए, ये लड़का क्या कर रहा है, ये मछली पकड़ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिश, एफ आई एस एच फिश। विद हिज, किसके जरिए पकड़ रहा है ये देखिए, ये इसके पास एक फिशिंग रॉड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ आई एस एच आई एन जी फिशिंग, आर ओ डी रॉड फिशिंग रॉड। ठीक है, दे विल पुट द डैश इन द डैश, अब ये बास्केट है वो इसमें जब यहाँ मछली पकड़ रहा है तो मछली पकड़ के वो बास्केट में डालेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम फिश, दे विल पुट द फिश इन द किस में डालेंगे, ये वाली बास्केट में, तो बी ए एस के ई टी बास्केट। दे विल सिट बाय द पॉन्ड, वो तालाब के किनारे बैठे हैं। एंड द बॉय विल कैच फिश, और जो बच्चा है वो शायद मछली पकड़ रहा है, विद हिज फिशिंग रॉड, अपनी फिशिंग रॉड के जरिए, दे विल पुट द फिश, वो मछलियों को डाल रहे हैं इन द बास्केट, बास्केट में। ये देखिए लर्न टू स्पेल, यहाँ पे कुछ वर्ड्स मौजूद हैं, ये हम पढ़ते हैं और उनके मतलब भी देखते हैं। नंबर वन, एफ आई एस एच फिश, फिश माने मछली। एफ आर ओ जी फ्रॉग, फ्रॉग माने मेंढक। बी ए एस के ई टी बास्केट, बास्केट माने टोकरी। एफ आई एस आई एन एस एच आई एन जी फिशिंग, आर ओ डी रॉड फिशिंग रॉड यानी मछली की तार। पी ओ एन डी पॉन्ड, पॉन्ड माने तालाब। पी ओ वाई बॉय, बॉय माने लड़का। जी आई आर एल गर्ल, गर्ल माने लड़की। एल ई ए एफ लीफ, लीफ माने पत्ता। फिश मछली, फ्रॉग मेंढक, बास्केट टोकरी, फिशिंग रॉड मछली की तार, पॉन्ड तालाब, बॉय लड़का, गर्ल लड़की, लीफ पत्ता। पेज नंबर 9, देखिए नेमिंग वर्ड्स यानी वही जो अल्फाज नामों के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। सम नेमिंग वर्ड्स गो टुगेदर, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो एक साथ आते हैं। हेयर इज एन एग्जाम्पल, शू एंड सॉक्स, यहाँ पे एक मिसाल मौजूद है जैसे कि शूज और सॉक्स। अब जाहिर सी बात है जहाँ पे शूज होंगे वहाँ सॉक्स भी जरूर होंगे। देखिए हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ सम नेमिंग वर्ड्स, यहाँ पे कुछ नेमिंग वर्ड्स की पिक्चर्स मौजूद हैं विच गो टुगेदर, जो कि एक साथ आते हैं। कनेक्ट ईच पेयर बाय ड्रॉइंग अ लाइन, हमें एक लाइन ड्रॉ करके पेयर को कनेक्ट करना है यानी मैच करना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, और एक हमें पहले से करके दिया गया है। देखिए शूज, शूज और सॉक्स एक साथ आएंगे तो इसको हम मैच कर देंगे। अभी देखिए कप है, तो कप के साथ क्या आता है, सॉसर, तो ये हम यूं मैच कर देंगे। उसके बाद क्या है, शर्ट, शर्ट के साथ क्या आएगा, शॉर्ट्स, इसे भी हम मैच कर देंगे। उसके बाद है हैन, हैन एग, इसे मैच कर देंगे। उसके बाद क्या है, काओ, काओ के साथ आएगा हमेशा मिल्क, मैच कर देंगे। बैट है, तो जहाँ बैट होगा वहाँ बॉल भी होगी, तो ये रहा बॉल। और फिर यहाँ पे है पेंसिल,
पेंसिल है तो पेपर भी होगा, ठीक है। ये आप लोग इसी तरह से बुक में मैच करेंगे। शूज सॉक्स, शर्ट शॉर्ट्स, कप सॉसर, हैन एग, काउ मिल, पेपर पेंसिल, बैट बॉल। अभी नीचे देखिए, लर्न टू स्पेल, जिस तरह पीछे हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे यहाँ पे भी मौजूद हैं। सॉक्स, एस ओ सी के एस, सॉक्स, सॉक्स माने जराबे। शूज, एस एच ओ ई एस, शूज, शूज माने जूते। पेंसिल, पी ई एन सी आई एल, पेंसिल यानी पेंसिल। सॉसर, एस ए यू सी ई आर, सॉसर, सॉसर कहते हैं फ्रिज को। मिल्क, एम आई एल के मिल्क यानी दूध। पेपर, पी ए पी ई आर, पेपर यानी कागज। एस एच आई आर टी, शर्ट यानी कमीज। शॉर्ट्स, एस एच ओ आर टी एस, शॉर्ट्स। सॉक्स, शूज, पेंसिल, सॉसर, मिल्क, पेपर, शर्ट, शॉर्ट्स। पेज नंबर 10, देखिए अ सीन, एक नजारा। नजारा किसको कहते हैं? व्यू। लुक एट द पिक्चर, सम नेमिंग वर्ड्स आर गिवन बिलो। अब ये देखिए, ये हमें एक अलग पिक्चर दी गई है और नीचे कुछ नेमिंग वर्ड्स दिए गए। अब हमें क्या करना है? सर्कल दोज वर्ड्स, हमें उन वर्ड्स को सर्कल करना है विच आर नेम ऑफ थिंग दैट यू कैन सी इन द पिक्चर। जो चीजें हमें पिक्चर्स में नजर आ रही हों उनके जो नेमिंग वर्ड्स होंगे उन्हें हम नीचे सर्कल करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले है एप्पल। अब पहले पिक्चर में हम ढूंढेंगे, पिक्चर में एप्पल ये रहा, ये देखिए प्लेट में मौजूद है, तो एप्पल को हम सर्कल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्स है, एग्स अब हम यहां ढूंढेंगे, यहां कहीं भी हमें एग्स नजर नहीं आ रही तो एग्स को हम सर्कल नहीं करेंगे। अब है हमारे पास बोट यानी कश्ती, देखिए यहां कहीं आपको नजर आ रही है, ये रही कश्ती, ये बच्चा चला रहा है, तो इसे हम करेंगे सर्कल। बी ओ ए टी, बोट, बोट माने कश्ती। अब है काउस, सी ओ डब्ल्यू एस, काउस, देखें काउ है कि, ये रही काउ, दो दो मौजूद हैं, तो काउ को भी हम सर्कल करेंगे, सी ओ डब्ल्यू एस, काउ, काउ माने गाय। देखिए ट्री, ट्री माने दरख्त, ट्री ये रहा, तो ट्री को हम सर्कल करेंगे, टी आर डबल ई ट्री, ट्री माने दरख्त। अब है गर्ल, यहाँ देखिए कहीं गर्ल मौजूद है, ये रही गर्ल, तो गर्ल को हम सर्कल कर देंगे, जी आई आर एल, गर्ल, गर्ल माने लड़की। अब है बॉय, बॉय देखिए कहीं बॉय आपको नजर आ रहा है, ये रहा बॉय, तो इसे हम सर्कल करेंगे, बी ओ वाई, बॉय यानी लड़का। अब है ट्रेन, देखिए यहाँ कोई ट्रेन मौजूद है, ट्रेन कहते हैं रेलगाड़ी को, नहीं यहाँ कहीं भी मौजूद नहीं है, तो इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए फिशिंग रॉड, फिशिंग रॉड कहते हैं मछली की तार को, देखिए यहाँ कहीं मौजूद है, ये रही फिशिंग रॉड, ये देखिए, तो इसे अब हम सर्कल करेंगे, एफ आई एस एच आई एन जी, फिशिंग, आर ओ डी, रॉड, फिशिंग रॉड। वैन, वैन कहीं मौजूद है पिक्चर में, आइए देखते हैं, वैन तो कहीं भी मौजूद नहीं है, तो इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। अब है फेंस, एफ ई एन सी ई, फेंस कहते हैं जंगले को, यहाँ कहीं जंगला दिख रहा है आपको, ये रहा जंगला, तो इसे हम सर्कल करेंगे, एफ ई एन सी ई, फेंस। बाइसाइकिल यानी जो साइकिल होती है आप लोगों की, दो पहियों वाली, वो यहाँ कहीं आपको नजर आ रही है बाइसाइकिल? जी नहीं, यहाँ कहीं मौजूद नहीं है, तो इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। अब है बनाना, बनाना यानी केला, देखिए यहाँ कहीं बनाना मौजूद है, ये रहा पिक्चर में, ये देखिए प्लेट में बनाना मौजूद है एप्पल के साथ, तो बनाना को हम सर्कल कर देंगे, बी
अब देखिए ग्रास, ग्रास कहते हैं घास को, तो ये मौजूद है, ये सारी ग्रास ही तो है, तो इसे हम सर्टल करेंगे GRASS ग्रास यानी घास। अब है रिवर, रिवर कहते हैं दरिया, RIVER रिवर, देखिए कहीं मौजूद है, ये रहा रिवर, ये दरिया ही तो है जिसमें ये बच्चा कश्ती चला रहा है, तो इसे हम सर्टल करेंगे RIVER रिवर। और ये क्या है, ये बर्ड यानी परिंदा, हम देखते हैं बर्ड कहीं मौजूद है, ये रहा परिंदा, तो इसे हम सर्टल करेंगे BIRD बर्ड यानी परिंदा। क्लाउड्स, अब क्लाउड्स आपको कहीं नजर आ रहे हैं यानी बादल, ये रहे क्लाउड्स, ये बादल है ना, तो इन्हें हम सर्कल कर देंगे CLOUDS क्लाउड्स यानी बादल। अब कैंडल, कैंडल कहते हैं मोमबत्ती को, यहाँ कहीं आपको नजर आ रही है कैंडल जी, यहाँ कहीं कैंडल मौजूद नहीं है, तो इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। बुक, BOOK के बुक यानी किताब, देखिए किताब कहीं है यहाँ पे, ये रही ये किताब को पढ़ रही है, ये बुक रीड कर रही है, तो बुक को हम सर्कल करेंगे BOOK बुक। अब ये क्या है हमारे पास, टैडी, टैडी किसको कहते हैं, भालू को, देखें यहाँ पे कहीं टैडी मौजूद है, ये रहा टैडी, देखिए टैडी को हम सर्कल करेंगे TEDDY टैडी। अब है डॉल, डॉल कहते हैं गुड़िया को, देखिए कहीं डॉल आपको दिखाई दे रही है, ये रही डॉल, DOLL डॉल यानी गुड़िया, इसे हम सर्कल कर देंगे। अब देखिए बॉल, बॉल आपको कहीं नजर आ रही है पिक्चर में, ये रही बॉल, तो बॉल को हम सर्कल करेंगे। अब ये क्या है, स्विंग, स्विंग कहते हैं झूले को, झूला यहाँ कहीं मौजूद है आपको दिखाई दे रहा है, नहीं, तो इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। बास्केट, बास्केट कहते हैं टोकरी को, ये देखिए बास्केट, बास्केट ये रही बास्केट, तो बास्केट को हम सर्कल कर देंगे। ये काम आप लोग इसी तरह से बॉक्स में करेंगे। पेज नंबर 17 A and N, देखिए यहाँ पे हेयर इज द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, अगेन यहाँ पे हमारे पास लेटर्स मौजूद हैं, अल्फाबेट्स मौजूद हैं, देखिए A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। यहाँ हमें क्या करना है, सम ऑफ द लेटर्स हैव बीन प्रिंटेड इन कलर। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो कुछ लेटर्स हैं उसमें कलर्ड है यानी कलर से लिखे गए हैं, राइट द लेटर्स प्रिंटेड इन कलर। अब जो लेटर्स कलर से लिखे गए हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं, कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। अब दीज फाइव लेटर्स आर कॉल्ड वॉवल्स, ये जो पांच लेटर्स हैं ये हमारे पास वॉवल्स के हैं। लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो, अब ये जो वर्ड्स हमें नीचे दिए गए हैं हमें इनको देखना है, कौन कौन से हैं, आई, गो, ऑरेंज, एप्पल, हॉर्स, आइस, मैंगो, अनियन, फ्लावर, अम्ब्रेला, ट्री, बैग। राइट द वर्ड्स बिगिनिंग विद वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू इन द बॉक्स मार्क्ड 1। जो लेटर्स वॉवल्स से यानी ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट हो रहे हैं वो हमें बॉक्स नंबर 1 में लिखने हैं। राइट द वर्ड्स दैट डू नॉट बिगिन विद वॉवल्स इन द बॉक्स मार्क 2। और जो वर्ड्स इसके अलावा हैं जो वॉवल्स से स्टार्ट नहीं हो रहे वो हमें बॉक्स नंबर 2 में लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आई,
आई मीन्स अंक. अब आई ई से स्टार्ट हो रहा है और ई एक वोवेल है, तो ये हम बॉक्स नंबर वन में लिखेंगे. ई वाई ई आई यानी आंक. गोट, गोट इज नॉट अ वोवेल, बी कोई वोवेल नहीं है, तो हम ये बॉक्स नंबर टू में लिखेंगे. बी ओ ए टी बोट यानी कश्ती. अब देखिए ऑरेंज, ऑरेंज ओ है तो ओ हमारे पास वॉवल है, तो ये हम नंबर वन में लिखेंगे. ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज. अब ये देखिए एप्पल, एप्पल ए है तो ए हमारे पास वॉवल है, तो इसको भी हम नंबर वन में लिखेंगे. ए डबल पी एल ई एप्पल यानी सेब. हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा. अब एच तो हमारे पास वॉवेल नहीं है, तो एच हम बॉक्स नंबर, हॉर्स हम बॉक्स नंबर टू में लिखेंगे. एच ओ आर एस ई हॉर्स. अब ये देखिए आइस, आइस आई हमारे पास वॉवेल है, तो आइस को हम नंबर वन बॉक्स में लिखेंगे. आई सी ई आइस मीन्स बर्फ. मैंगो, एम इज नॉट अ वॉवेल, एम वॉवेल नहीं है, देखिए ए ई आई ओ यू, तो एम, एम फॉर मैंगो, मैंगो हम बॉक्स नंबर टू में लिखेंगे. एम ए एन जी ओ मैंगो. अनियन, ओ एन आई ओ एल अनियन कहते हैं प्याज को. अब ओ हमारे पास वॉवेल है तो इसे हम बॉक्स नंबर वन में लिखेंगे. ओ एन आई ओ एन अनियन यानी प्याज. अब हमारे पास है फ्लावर, फ्लावर कहते हैं फूल को. एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर. अब एफ हमारे पास वॉवेल नहीं है तो एफ, एफ फॉर फ्लावर, फ्लावर हमारे पास आएगा बॉक्स नंबर टू में. एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर. अम्ब्रेला, यू है तो अम्ब्रेला, यू हमारे पास वॉवेल है तो ये आएगा बॉक्स नंबर वन में. यू एम बी आर ई डबल एल ए अम्ब्रेला यानी छतरी. अब क्या है हमारे पास ट्री, ट्री यानी दरख्त. अब टी हमारे पास वॉवेल नहीं है तो ट्री को हम लिखेंगे बॉक्स नंबर टू में. टी आर डबल ई ट्री, ट्री माने दरख्त. अब बैग, बैग बी हमारे पास वॉवेल नहीं है. ए ई आई ओ यू बी वॉवेल नहीं है, बी फॉर बैग है तो बैग भी हमारे पास नंबर टू बॉक्स में जाएगा. बी ए जी बैग यानी बस्ता. ये काम आप लोग इसी तरह से करेंगे बॉक्स में. पेज नंबर 23 क्या है हमारे पास. एट द पार्क यानी पार्क में. अब देखिए यहाँ क्या करना है हमें. सर्कल द नेमिंग वर्ड ऑफ द थिंग दैट यू कैन सी इन द पिक्चर. अब पिक्चर्स में जो चीजें मौजूद हैं उनके नामों पे हमें यहाँ सर्कल करना है. ये काम हमने पीछे भी किया है. आइए देखते हैं. टेडी बेयर, अब टेडी बेयर यहाँ कहीं मौजूद है, जरा ढूंढिए. यहाँ कहीं भी टेडी बेयर मौजूद नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे. अब देखिए बॉल, बॉल आपको नजर आ रही है यहाँ कहीं, ये रही बॉल, तो बॉल को हम सर्कल करेंगे. उसके बाद है हमारे पास सी सॉ, एस ई एस डबल ई सी एस ए डब्ल्यू सॉ सी सॉ. देखिए यहाँ कहीं सी सॉ मौजूद है, ये रहा, तो इसे हम सर्कल करेंगे. अब है ट्री, ट्री देखिए यहाँ कहीं मौजूद है, ये भी ट्री है, ये भी ट्री है, तो इसको हम सर्कल करेंगे. टी आर डबल ई ट्री यानी दरख्त. अब है आइसक्रीम, अब यहाँ कहीं हमारे पास आइसक्रीम मौजूद है, देखिए किसी के पास भी आइसक्रीम नहीं है. आप लोग अपनी अपनी बुक्स में भी देखिएगा, कहीं आइसक्रीम ढूंढिएगा, यहाँ पे कहीं भी आइसक्रीम नहीं है, ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे. अब है स्विंग, देखिए यहाँ पे कहीं स्विंग मौजूद है, ये देखिए ये रहा, तो इसको हम
सर्कल करेंगे SWING स्विंग। अब है बलून, देखिए यहाँ कहीं बलून नजर आ रहा है आपको, BALLOON बलून, नहीं यहाँ कहीं नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। जंगल जिम, अब देखिए जंगल जिम यहाँ कहीं मौजूद है पिक्चर में, लेट्स सी, ये देखिए ये रहा जंगल जिम, तो इसको हम सर्कल करेंगे JUNGLE जंगल, GYM जिम। अब देखिए डॉग, DOG डॉग, देखिए कहीं डॉग है पिक्चर में, ये रहा DOG डॉग, इसको हम सर्कल करेंगे। अब देखिए कार पिक्चर में कहीं मौजूद है, CAR कार, जी नहीं पिक्चर में कार मौजूद नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। हु, HOOP हु, देखिए कहाँ है हु, ये देखिए, तो इसको हम सर्कल करेंगे HOOP हु। अब देखिए क्या है BIRD बर्ड, बर्ड कहीं मौजूद है पिक्चर में, ये रहा फ्लाई कर रहा है, तो इसको हम सर्कल करेंगे BIRD बर्ड, ठीक है। अब ये क्या है स्किपिंग रोप, देखिए कहीं स्किपिंग रोप मौजूद है यहाँ, ये रहा, तो हम इसको सर्कल करेंगे SKIPPING स्किपिंग ROPE रोप, स्किपिंग रोप। अब ये क्या है बुक, BOOK बुक, देखिए कहीं बुक मौजूद है, ये रही, ये बुक पढ़ रही है, तो यहाँ पे हम बुक को भी सर्कल करेंगे BOOK बुक। स्लाइड, देखिए स्लाइड कहीं मौजूद है, ये रही स्लाइड, तो स्लाइड को भी हम सर्कल करेंगे SLIDE स्लाइड। अम्ब्रेला, देखिए अम्ब्रेला कहीं मौजूद है यहाँ, UMBRELLA अम्ब्रेला, जी नहीं पिक्चर में अम्ब्रेला मौजूद नहीं है तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। यहाँ हमारा काम खत्म हो गया है, आप लोग ये इसी तरह से बॉक्स में सर्कल करेंगे।